नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रेलवे ने हर साल की भांति इस बार भी बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि रेलवे ने जो है 78 दिनों का बोनस जो है वो देती है, तो इस बार भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है और हम लोग इसमें बहुत सारे डिटेल्स जो है आपको पता चलने वाली है। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 46,000 रुपये बोनस मिलना चाहिए और कुछ का कहना है कि मिनिमम 25,000 रुपये मिलना चाहिए, जबकि ये जो है आपको 17,951 रुपये ही दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कहना है, तो ये हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देख सकते हैं कि आज ही के दिन 3 अक्टूबर को ये कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है कि 78 दिनों का बोनस जो है सभी रेल कर्मचारियों का जो भी इसके अंदर आते हैं उनको जो है ये बोनस दी जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये दिया जाएगा, साथ में जो है कब तक ये आपके अकाउंट में ये बोनस आ जाएगी और कितना अमाउंट जो है इस बार आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो बोनस जो है लगभग 11,72,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय को जो है दिया जाएगा। ये ओनली नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय को ही ये बोनस मिलता है। साथ में इससे ये बोनस देने के लिए दोस्तों जो गवर्नमेंट है उन पे लगभग 2,000 करोड़ रुपए की बर्डन आने वाली है। इसमें जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको 78 दिनों का एज ए बोनस जो मिलता है वो 78 दिनों का बेसिक पे दिया जाता है। दोस्तों ये बोनस आपको किस किस स्टाफ को मिलता है दोस्तों, तो ये ट्रैक मेंटेनर को, लोको पायलट को, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, सुपरवाइजर और बाकी सारे ग्रुप सी स्टाफ को ये बोनस दिया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट जो होता है दोस्तों वो 17,951 रुपये ही मिलता है। 78 दिन का बोनस या मैक्सिमम 17,991 रुपये, ये किस लिए दिया जाता है, तो जो बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो जितने भी ग्रुप सी के स्टाफ हैं और ग्रुप डी के स्टाफ हैं उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन करने के लिए ये बोनस दिया जाता है। ये हर साल आपको दुर्गा पूजा के से पहले ये बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में, और इस बार भी जो है 10 तक मान लीजिए ये बोनस आज 10 अक्टूबर तक आने की संभावना है। अगर हम बात करें तो दोस्तों इस बार रेलवे का कहना है कि बहुत अच्छी जो है इस बार परफॉर्मेंस है रेलवे का और बहुत अच्छे से सभी स्टाफ ने अपना योगदान दिया है। तो इस बार लगभग 1588 मिलियन टन जो है दोस्तों गुड्स का इस बार लोडिंग हुआ है। साथ में अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो 6.7 बिलियन पैसेंजर जो है पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल किया है दोस्तों। तो ये थी इस बार की परफॉर्मेंस। साथ में अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों कहना है कि 46,000 रुपये मिलना चाहिए, तो दोस्तों जो अभी तक जो मिल रहा है दोस्तों वो आपका कैलकुलेशन जो होता है वो छठे वेतन आयोग जो है उसके न्यूनतम बेसिक को मान करके कैलकुलेशन होता है, जिसमें कि 17,951 रुपये बन रहे हैं। अगर हम बात करें सातवें वेतन आयोग का, तो उसमें जो है बेसिक जो है वो 18,000 रुपये है दोस्तों। अगर उसको लेकर के कैलकुलेट करते हैं तो 46,159 रुपये आपका बोनस बनता है। तो इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि 46,000 रुपये मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि दोस्तों जैसे डीए के 50% होने के बाद सभी अलाउंसेस को 25% से बढ़ा दिया गया है, उसी तरीके से बोनस को भी 25% से बढ़ाना चाहिए और इसको अराउंड 25,000 के अराउंड करना चाहिए। तो ये दो ग्रुप हैं ऐसे जिनका ऐसा इस तरीके का उनका कहना है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।